लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आत्महत्या करना पाप है। जानती हूँ आत्महत्या करना पाप है, पर मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक मेरी मौत से मिट जाएगा। एक बिंदाई लड़की जो माँ बन चुकी है, उसे जीने का कोई हक नहीं। कसम है हम दोनों के बचपन की जो हमने एक साथ गुजारे हैं। तुझे बता, इस बच्चे का बाप कौन है? बता। उसका कोई दोष नहीं, अशोक का कोई कसूर। अशोक? नहीं शंकर, दोष मेरा है। भूल गई थी मैं कि मैं गरीब हूँ। गरीब को सपने देखने का अधिकार है, संजोने का नहीं। भूल गई थी मैं कि एक गरीब की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत है, और वो इज्जत देकर भी अपना प्यार, अपने सपने कभी नहीं खरीद सकता। मेरी इज्जत पर जो दाग लगा है वो मेरी जिंदगी का ग्रहण है, ग्रहण है वो। नहीं तुझसे, अरे अरे कहते हैं तुलसी के दो पत्ते जिस चीज में डाल दो उसे ग्रहण नहीं लगता। तू तो खुद तुलसी है रे, तुझे ग्रहण नहीं लग सकता। तुझे कैसे ग्रहण लग सकता है? कभी नहीं लग सकता। अरे भाई, तुम और मेरे घर में? यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरे साथ चल। कहां? आज तेरी शादी तुलसी के साथ है। शादी? वो भी तुलसी के साथ? अरे मुझे शादी ही करनी होती तो ये क्या बुरी? तेरी शादी होगी वो भी तुलसी के साथ ही। मगर क्यों? तू जानता है क्यों? भाई, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी उसके साथ, वो खुद ही मेरी बाहों में आ गिरी। तो मैं क्या करता? मैंने भी देखा, खेला और फेंक दिया उसे। बस चलन, हमारे यहां तुलसी फेंकी नहीं जाती, उसकी पूजा की जाती है। चल। मां देख, भाई मुझे यहां जबरदस्ती ले आया है। चल बेटा, तुलसी से शादी कर ले, बहुत अच्छी लड़की है ये। ठीक है मां, तू कहती है तो मैं शादी कर लेता हूं, मगर हर मां अपने बेटे की शादी कराने से पहले कम से कम लड़की का खानदान उसके मां बाप के बारे में पूछताछ करती है। ये किस खानदान से है, कौन है इसके मां बाप? तो इसके मां बाप से मिलना चाहता है। ये है तुलसी के मां बाप। जिसके ढेर सारी माएं हों और ढेर सारे बाप, वो चीज कभी पवित्र नहीं होती। पवित्र है भाई, पवित्र है। उस मंदिर की तरह पवित्र है जिसको सब मिलकर बनाते हैं। तुलसी को भी इन सब लोगों ने मिलकर पाला है। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। अगर तुझे पसंद नहीं होती तो आज एक बिन ब्याही लड़की मां नहीं बनती। क्या सबूत है इसके पास कि ये बच्चा मेरा है? कोई सर्टिफिकेट है इसके पास? हाँ बेटा, तू ठीक कहता है, इसे तो जरूर पूछना चाहिए कि इसके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई सबूत है। लेकिन इससे पहले
तू बता, क्या तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई सबूत है कि तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन था? इसका सबूत सिर्फ मैं हूँ। जब मैं कहती हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ तो दुनिया मानती है कि हाँ तू मेरा बेटा है। इसी तरह तुलसी खुद सबूत है कि इसके बच्चे का बाप तू है। बेटा, एक औरत बच्चे को जन्म देती है बंद कमरे में, और जब वही बच्चा एक औरत की आबरू पर खुलेआम उंगली उठाता है तो उसकी सिर्फ उंगली ही नहीं, हाथ काट डालने चाहिए। माँ, मैं उसे माँ कहने का अधिकार नहीं दे सकती, जो पैदा होने से पहले ही अपने बच्चे से बाप कहने का अधिकार छीनना चाहता है। शंकर, अगर आज इसने तुलसी की लाज नहीं रखी तो मिटा दे इसे, ये मां का हुक्म है। राम राम मुनीम चाचा। इतनी ठंडक तो नहीं जो कंबल ओढ़े बैठे हो? नए नए रंगरूट भर्ती कर लिए? चलो जल्दी से ट्रक भर दो, ये रहा तुम्हारा चालान और ये रहा तेरे चालान पे दस्तखत। क्या अच्छा किया जो तुमने चाकू से लकड़ी का शब मिटा दिया। अब मैं इस ट्रक में तुम लोगों की लाशें भर कर ले जाऊंगा। मरने से पहले आदमी चिल्लाता चीखता ना, अपन उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानता। शादी अशोक की हुई मगर अर्थी अब तेरी निकलेगी। आके फेरे उसने लगाए मगर अब चिता तेरी चलेगी। अशोक तेरा भाई तेरी चिता में आग लगाने को बिल्कुल तैयार बैठे रहे। क्या सबसे जलील और कमीने आदमी वो होते हैं जो खून को खून का दुश्मन बना देते हैं। के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि रोने वाला यह भी समझ नहीं पाएगा कि किस टुकड़े को पकड़ कर रोए हैं। शुरू कर दो मशीन। कब तलक ये खूनी मंजर वस्तु देखे जाएगा?